चैनल क्रंच बेबी, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली मेरा पार्सल आ गया है फ्रॉम सैयद सादाब जी और आई एम वेरी एक्साइटेड टू ओपन इट। मेरे को बहुत ज़्यादा वो लग रहा था कि कब आएगा, बट आ गया फाइनली। दिवाली के काफ़ी दिन बाद आया है। मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी इसे देखने के लिए। इसको मतलब मैंने कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं किए थे, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। तो चलिए आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या मुझे रिसीव हुआ है। तो ये है 7 kg का पार्सल। तो अभी मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ मुझे क्या क्या मिला है। फिलहाल तो मैंने अलग अलग आइटम्स मंगाए थे, देखते हैं, लेट्स होप कि ये ब्रोक ना हुए हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी दिन बाद भी आया है और कैसे ही आता है इंडियन पोस्ट से आपको तो पता ही है। तो आई जस्ट विश कि ये टूटे ना। तो चलिए आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, साथ में बात भी करते जाते हैं। तो मैंने इसमें कुछ स्प्रेट आइटम्स जो मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे वो मंगवाए थे, तो देखते हैं कैसा स्टार्ट मिलता है मुझे, क्योंकि ऑनलाइन आइटम्स और स्लेट आइटम्स कभी मेरे लिए फर्स्ट टाइम हो गए। मैं ट्राई करूंगी और इसका रिव्यू भी मैं दूंगी। जिन्होंने कभी ऑनलाइन प्लेस नहीं आई मतलब ऑनलाइन आइटम्स नहीं किए हैं ट्राई, तो उनके लिए भी ये रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं ट्राई किया है। तो इनकी पैकिंग तो बहुत अच्छी है, मतलब इन्होंने टेप वगैरह अच्छे से पैक करके दिया है, तो इनकी पैकिंग बहुत अच्छी है। तो अब देखते हैं सामान का क्या हाल है अंदर। तो आप लोग उसको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड अभी तो वैसे भी दिवाली की छुट्टियाँ थी इतनी ज़्यादा और मैं काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी, मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। और थैंक गॉड मेरा पार्सल भी आ गया इसी बीच में, मुझे एक और मतलब भी मिल गया, मतलब एक रीज़न मिल गया वीडियो बनाने का, क्योंकि उस टाइम से तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो ये आज भी पार्सल रिसीव हुआ है अभी आधे एक घंटे पहले, तो मैंने सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ ही शेयर करूँगी। तो ये काफ़ी बड़ा पार्सल आप देख सकते हो, तो देखिए तो मैंने इसे ओपन कर लिया है ना। फाइनली ओपन करते हैं कि अंदर क्या क्या मटेरियल मुझे रिसीव हुआ है, इसको कितना ज़्यादा पैक किया है। अब तो मेरे से इंतज़ार भी नहीं हो रहा है, जल्दी खुल जाओ। ओके अभी और रह गया। जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन प्लेस नहीं आइटम्स इस्तेमाल किए हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं इसका फर्स्ट क्रंच क्या करूँ। और आप लोग रिक्वेस्ट भी अब कर सकते हो, क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ इसे पूरा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अब ये सारे आइटम्स भी होंगे। तो ये देखिए इन्होंने, ओहो काफ़ी ज़्यादा कुछ ब्रेक हो गया है, मैं आपको जूम करके पहले दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इन्होंने, ये ऐसे है, ये काफ़ी कुछ टूट भी गया है इसमें। तो मुझे ये मेरे को समझ में आ रहा है ये पंजाब की मिट्टी। तो पहले मैं एक एक पार्सल यहाँ निकाल लेती हूँ, तब मैं उसके बाद आपको ओपन करती हूँ। इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट बस ये ठीक हो थोड़ा। ओके इसको तो किटकैट कहते हैं, ये मेरे को पता है। ओके ये है शायद सेलस्टोन, अभी मैं देखूंगी कि अंदर कौन सा है सेलस्टोन, कौन से कलर का है। ये शायद खाड़ी है, पता नहीं मुझे, देखती हूँ। ये शायद नकुमट है, आई थिंक ये चूरा जैसे बन गया, उन्होंने बड़े चंक्स नहीं भेजे हैं। ओहो काफ़ी ज़्यादा, ये भी किटकैट है। ओके ये नहीं पता मुझे, अभी मैं ओपन करके देखती हूँ, इसमें टूटा भी है कुछ। ये भी शायद किटकैट है, इसमें दो इन्होंने दिया है। ये शायद वाइट है, अभी ओपन करूँगी तब दिखाती हूँ। ये नहीं पता मुझे, इसमें जो जो आप लोगों को नाम पता हो वो बता दीजिएगा मुझे। ये शायद स्लेट पेंसिल है, ये मैं अभी अब सब अंदाज़ा लगा रही हूँ, ये भी स्लेट पेंसिल है। ये सेलस्टोन है, ओके ये ब्रोकन में है शायद सेलस्टोन। ये शायद मिनी क्यूब है, वाइट में है जो कलर मुझे विजिबल हो रहा है, और ये भी मिनी क्यूब है। अभी सबको मैं ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ। ये शायद ब्रोकन है, पता नहीं, इसमें मिक्स है आइटम्स बड़े। ये इन्होंने शायद क्लेपॉट दिया है टाइनी, देखती हूँ ओपन करके। ये भी ब्रोकन है, ये चिप्स है, पता नहीं क्या है। ये शायद क्यूब है, ब्लैक में है शायद। ये बार है कि क्यूबिकल बार है, पता नहीं। ये शायद चिप्स है, ये नहीं पता क्या है, क्योंकि इनमें से मेरे को कुछ के नाम भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी देखे ही नहीं है इन्हें। ये शायद बार है, तीनों कलर मिक्स इन्होंने। ये किटकैट है, ये मेरे को समझ में आ रहा है। और ये लास्ट है, ये भी किटकैट है। तो ये देखिए ये है 7 kg का पार्सल, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये शायद रेड खाड़ी है या क्ले है, मुझे नहीं पता, ओपन करती हूँ और आपको एक एक चीज़ें दिखाती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको सारे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 7 kg का पार्सल है तो काफ़ी यूज। और अभी मैं इसको पन्नी से हटा करके तब आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए आप दिखाते हैं इसको ओपन करके। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग जाएगी, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ और कैसा पार्सल उन्होंने भेजा है। पार्सल की पैकिंग बहुत अच्छी थी उनकी, तो इसलिए। और मैंने फर्स्ट टाइम ये रिव्यू भी है एक तरह से। ये देखिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, ये किटकैट है रेड और वाइट, तो ये देखिए टूट गया है। तो ये रेड और वाइट है, कलर आपको शायद विजिबल होगा। तो नेक्स्ट आइटम ओपन करते हैं, पन्नी कहाँ है।
स्लेट पेंसिल है आई थिंक, क्योंकि मुझे जितना दिख रहा है इसमें आइटम्स काफ़ी ब्रोक आ गए हैं। इसमें उनकी फॉल्ट नहीं है, ये तो जो भेजते हैं ना उन्हीं से ही इतना गंदा पार्सल वो भेज करके देते हैं ना। ये वाइट एफ पी है, ये देखिए एक तो ब्रेक हो गई है, ब्रेक वाला मैं ऐसे रखूँगी, इसमें एक नहीं सारी ही ब्रेक हो गई हैं आई थिंक। ये देखिए इसमें से सिर्फ तीन मेरे को सही रिसीव हुई है, इसका ब्रोकन है, ब्रोकन मैं साइड में रखूँगी, इसमें भी थोड़ा सा ब्रेक हो गया। उनकी पैकिंग सच में बहुत अच्छी है लेकिन तब भी ये सामान ब्रोक ही आता है। थोड़ा सा पास करूंगी, ये शायद बार है, ब्लैक बार आई थिंक अगर मैं सही हूँ, तो ये है गाइस ब्लैक बार, तो ये थोड़ी सी साइड में ब्रोक आई है, बाकी ये ठीक है। अब नाउ लेट्स ओपन इट। ये क्या है, शायद ये क्ले पॉट है क्योंकि मैंने उन्हें सैंपल एज अ सैंपल मांगा था। ये है शायद क्ले पॉट, ये पता नहीं कैसे ही उन्होंने करा है। हाँ ये हो गया, तो ये उन्होंने शायद एकदम टाइनीस्ट वाला दिया है, तो उनसे मैंने एज अ सैंपल मांगा था, तो उन्होंने आई होप ये ना टूटा हो, बस सब टूट जाए, क्योंकि क्ले पॉट बहुत ज़्यादा ही वैसे होते हैं तो डर लगता है। उन्होंने ये छोटा सा क्ले पॉट कितने उसमें रखा है। ओके तो ये है इनका क्ले पॉट एकदम टाइनी, देखिए। ओके ये है, आप लोगों को पता हो तो बताइएगा, शायद ये चिप्स है, मुझे नहीं पता ग्रूव्स हैं, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं तो यूट्यूब में देख देख के सोचती हूँ कि क्या क्या है, बट ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन आ गया है, बहुत ब्रोकन है इसमें। तो ये देखिए ये सही आया है बिल्कुल, ये शायद ब्लैक कलर है, मुझे कलर नहीं पता, ब्लैक ही है, ये देखिए ब्लैक में है, ये भी टूट गया है, ये देखिए ये ब्रोकन है, इसका कलर देखिए कितना विजिबल है, ये ब्लैक में है, ग्रूव्स हैं ये शायद अगर मैं सही हूँ, तो ये चार या पांच पीसेज है, ये सारा ब्रोकन है। अभी सेलस्टोन खोलते हैं फिर उसके बाद देखते हैं, सेलस्टोन भी थोड़ा सा टूट गया है साइड से आई थिंक, ये चेक बहुत ज़्यादा टूट गया है साइड से, नहीं बहुत ज़्यादा टूट गया है। ओहो ये तो ज़्यादा टूट गया, मैंने क्या सोचा था, एकदम पाउडरी फॉर्म हो गया है ये तो। इसको अच्छे से ओपन कर लेते हैं, ये देखिए हाल देखिए इसका, ये पूरा ही टूट गया है साइड से, ये पूरा है इसका, ये देखिए कॉर्नर पूरे टूट गए हैं, इसकी लेयर्स देखिए ये सब टूट गया है। क्या ही बोलूँ मैं इंडियन पोस्ट वालों को, चूड़ा मैं क्या ही करूँगी। इसकी क्लीनिंग वीडियो शाम में आ जाएगी, ये वीडियो मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि इसको मैं डिले नहीं करना चाहती, तो क्लीनिंग वीडियो इसकी शाम में आ जाएगी क्योंकि अभी धूप भी है अच्छी, और मैं इसे वॉश करके क्लीन कर लूँगी अच्छे से, देन उसके बाद क्रंच करूँगी। आप लोग पहले बताइएगा कि मैं किसका क्रंच करूँ। ओके ये शायद रेड बार है या रेड कुछ भी है, ये बार ही है, ये देखिए ये रेड बार है, सेलस्टोन पूरे टूट चुके हैं, ये भी बार है शायद। ये वीडियो की स्पीड में थोड़ी सी वो कर दूंगी, बढ़ा दूंगी क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो इतनी देर की अच्छी नहीं लगती है। और ये शायद क्यूबिकल बार है, ये देखिए कितने ज़्यादा थिक हैं, और इसमें तीनों कलर हैं, नहीं तीन नहीं है, दो रेड है एक वाइट है, तीन नहीं है ये, दो रेड हैं, या ये ब्लैक होगा मुझे पता नहीं है क्योंकि ये रेड लग रहा है, ये वाइट है, प्रॉपर वाइट है, और ये रेड है देखिए। तो ये जो थिक आइटम है ना वो ज़्यादा ब्रेक नहीं हुए हैं, बट जो सॉफ्ट आइटम है वो ब्रेक हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। और ये भी देखिए ब्लैक वो है किट का, ये भी ब्रेक नहीं हुआ है बिल्कुल भी, ये सही सलामत आए हैं। ओह उम्मीद से पानी फिर गया, ये एक टूटा है और एक सही है, देखिए ये एक आधा ब्रेक हो गया है, किस्मत खराब है मेरी। ये शायद स्लेट पेंसिल है शायद, देखते हैं ओपन करके क्या है इसमें, या चिप्स है, ये चिप्स है, ये वाइट है आई थिंक या ब्लैक है, कलर मुझे नहीं पता, ये ब्लैक चिप्स हैं, ये भी शायद चिप्स ही होगा पता नहीं, और ये टूट चुके हैं, ये देखिए ये टूट गया है, इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, ये भी टूटा ही है, काफ़ी चीज़ टूट गई है। अभी मैं आपको फाइनली दिखाऊंगी कि क्या क्या टूटा है, क्या क्या रह गया है।
ये है स्लेट पेंसिल रेड, वो थी वाइट, ये रेड है, ये ना टूटी हो क्योंकि मैंने सुना है रेड आइटम्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ओ ये भी टूट गई है, ये देखिए ये रेड वो है, ये भी टूट गई है, पूरी टूट गई है, इसमें सिर्फ दो सही आई हैं और ये सब टूट गई है। इतना देखिए इतना ज़्यादा इसमें टूटा हुआ है और ये अभी तक फाइनली सही आए हैं और अभी इतना वो प्रोडक्ट खोलना बाकी है। अब मैं आपको ये पूरा खोल करके दिखाती हूँ, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आई एम वेरी अपसेट कि ये बहुत ज़्यादा ब्रोक आ गया है। लेट्स होप ज़्यादा ना आए, सेल स्टोन भी काफ़ी ज़्यादा ब्रोक है, तो अभी और देखती हूँ मैं पूरा प्रोडक्ट खोल करके आपको मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए मैंने सारा अपना पार्सल ओपन कर लिया, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ब्रोकन, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसमें से तो नहीं दिखा सकती एक एक चीज़, हाँ जो जो दिखेगा ऊपर से मैं वो दिखा दूँगी। तो ये देखिए मेरा पहले तो इतना मिक्स सारे में, मैंने 7 kg में 2 kg 1 kg मैंने मंगाया था पंजाब की मिट्टी और 1 kg मैंने मंगाया था नाकुमट, मतलब सारे ही मिक्स, ठीक है। तो इन्होंने शायद 3 तरह के नाकुमट भेजे हैं, होते ही होंगे उतने मुझे पता नहीं है। तो ये मेरा स्लेट आइटम इतना पूरा चूरा, क्या मतलब यूज़ कर सकती हूँ, इतने भी ज़्यादा छोटे पीसेज नहीं है, बट ये देखिए ये चूरा ही है, ये पूरा चूरा, इसका मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ, ये वाले तो मैं कर लूँगी। और ये मेरी पंजाब की मिट्टी देखिए पूरी की पूरी इसका पेस्ट बन जाएगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा ही ये टूट गई है। और चलिए अब दिखाती हूँ मैं अपना आइटम, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये है रेड सेल स्टोन, आई थिंक यही है, और ये है मिनी किटकैट ब्लैक, इन्होंने मिनी किटकैट 4 दिए हैं मुझे, मतलब और कोई कलर का नहीं है, ये 4 ही हैं ब्लैक में। और ये है मेरा ब्लैक सेल स्टोन और ये है रेड बार और ये वाइट बार, ये भी रेड बार है, ये ब्लैक बार है, आपको ऐसे दिख जाएगा, ये ब्लैक किटकैट है और ये ग्रूव्स हैं आई थिंक, और ये है रेड किटकैट, किटकैट नहीं ट्रायंगल, ये है वाइट ट्रायंगल और ये है क्या बोलते हैं इसे, क्यूब शायद बोलते हैं इसे। और एक उन्होंने मुझे सैंपल में मतलब क्लेपॉट दिया है एकदम टाइनी सा, वो अंदर है, वो आपको क्रंच करके इसके बाद वाले में दिखाऊंगी, रिव्यू दूंगी। देन अब ये है मेरा हाफ रोस्टेड शायद नाकुमट और ये है बटरग्रे नाकुमट और ये है फुल रोस्टेड नाकुमट और उन्होंने थोड़ी सी वाइट खाड़ी और रेड खाड़ी भी दी है, तो रेड खाड़ी का कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये नुकसान बहुत होता है, बट मैं रिव्यू के लिए दूंगी, बाकी का मैं टेस्ट बनाऊंगी। और ये है पंजाब की मिट्टी और ये देखिए बहुत कम, इसमें भी काफ़ी ब्रोक हैं बट मैंने बड़े बड़े पीसेज निकाल लिए हैं क्योंकि मैं उसको भी अगर फेंक दूंगी या वैसे यूज़ नहीं करूँगी तो फिर मेरा पूरा ही नुकसान हो जाएगा। तो मैंने ये देखिए ये फुल है, मतलब पूरी है, इसमें भी थोड़ी सी ब्रोक है और ये है पूरी, ये देखिए ये ब्रोक ही है बट मैंने निकाल लिया है। तो देख लीजिए मेरे 7 kg में सिर्फ सही सलामत इतना ही पार्सल आया, बाकी मेरा सारा ब्रोक हो चुका है और सो अपसेट, लेकिन इतनों के लिए मैं खुश हूँ, इसके लिए लिटिल अपसेट, चलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड चैनल पर जो भी न्यू आए सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि मेरा न्यू स्टॉक कैसा है, आप मुझे आप लोग बता सकते हैं कि मैं पहला क्या क्रंच करूं, बट हाँ मैं रिव्यू देना चाहती हूं एक एक चीज़ का। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टॉक कैसा है और क्या क्रंच करूं मैं। तो पहले तो आज मैं सबका, पहले मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है मैं उसको बनाऊंगी, देन उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी एक एक चीज़ का रिव्यू देना, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये चीज़ें फर्स्ट टाइम है तो मेरे को रिव्यू देना भी बनता है। और ये देखिए आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा सारी चीज़ें, तो मिलती हूँ क्रंच वीडियो में और इसके बाद आएगी वॉशिंग वीडियो और स्क्रैचिंग वाली भी, क्योंकि अभी मैंने देखा रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग वाली वीडियो चल रही है तो मैं भी वही बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।